या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय या सेकंड मॅच मध्ये अर्थात मॅराथॉनचा पुरस्कार दिला जातो ज्याने या स्पर्धेतली सर्वात महत्त्वाची षटक टाकलं मिडल ओव्हर टाकली आणि तीन महत्त्वाचे विकेट टिपले असा खेळाडू ठरतो मॅराथॉनचा सुपर हिरो अर्थात वन अँड ओनली वन मॅन आर्मी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ वन मिस्टर हेमंत पाटील. मी विकी साहेब गायकवाड यांना विनंती करतो की आपलं शुभ असते या ठिकाणी हेमंत पाटीलला मॅराथॉन मॅच देऊन मॅराथॉनची ट्रॉफी देऊन गौरव करायचा मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देऊन या ठिकाणी हेमंत पाटीलचा गौरव करण्यात येत आहे. अतिशय जबरदस्त खेळ दाखवला पहिलं षटक टाकलं आणि मिडल ओव्हर करत या ठिकाणी स्पर्धेतली पहिली मिडल ओव्हर आणि तीन विकेट महत्वाच्या टिपल्या असं हेमंत पाटील बेस्ट ऑफ लक हेमंत. त्यानंतर आपण स्वागत सन्मानाकडे वळतोय. मंगेश साहेब सावंत यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. मंगेशसाहेब सावंत गोठिवली शाखा प्रमुख शिवसेना यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. मंगेश भाई पाटील यांच्या शुभ हस्ते अर्थात आपण पाहतोय आणि अनुभवतोय नागेश्वर मित्रमंडळ खाना पुरस्कृत उपसरपंच चषक 2022 सन्माननीय मंगेश भाई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य आयोजनाच्या माध्यमातून अर्थात हा आपण पाहतोय उपसरपंच चषक 2022 पर्व तिसरं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. हे क्रिकेटचे भव्यदिव्य आणि दिमागदार क्रिकेटचे टेनिस क्रिकेटचे सामने लगेच आपण मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतोय प्रवीण सर दुगाडे यांना. निश्चित तौर पर ये जो सरपंच ट्रॉफी 2022 है क्रिकेट से काफ़ी लगाव रखने वाले और हर साल इस प्रतियोगिता का जब भी ऐलान होता है मंगेश भाई का हमारे प्रति प्यार है ही, लेकिन पहला निमंत्रण जिनका आता है वो अक्षय कड़व जो अपने एनिवर्सरी मनाने के लिए शादी की एनिवर्सरी मनाने के लिए गोवा जा चुके हैं. गोवा से सीधा लाइव इस सरपंच ट्रॉफी को देख रहे हैं और उन्होंने हमारे राजश्री ताई को जन्मदिन की और इस उपसरपंच ट्रॉफी मंगेश दादा पाटिल और नागेश्वर मित्र मंडल खानाओं के लिए शुभकामनाएं भेजी है. तो विकी गायकवाड़ भी यहां पर बैठे हुए हैं. विकी भाई जिन्हें मैं हमेशा प्यार से कहता हूं भाइयों के भाई यहां पर बैठे हुए हैं हमारे मंगेश भाई के साथ. टीम का टोटल दो. हाँ हेमंत को 200 का इनाम था जिनको प्यार से हम कहते हैं गोकुल 200 का इनाम है. शिवाजी पाटिल की तरफ से इनाम था. हेमंत आप लेके जाइए 200 का इनाम है. तो गेंदबाज गौरव पाटिल बैकफुट पर गए. बहुत ही बढ़िया क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक सीधा चार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर. संदीप ने ये 4 रन हासिल किए हैं और इन 4 रनों की वजह से टोटल पहुंच चुका है 6 रन. आरसीसी आरएससी खरवली बना प्लस गोले वाली टीम के. और अब हम इनामों की उद्घोषणा करेंगे. कुशल पाटिल इनकी तरफ से हर विकेट के लिए 100 का इनाम. गेंदे हो चुकी है 3 स्प्रे. हाँ निश्चित तौर पर इस इनिंग के बाद डीजे बास्को को मेरी ये गुजारिश है गाना आप जरूर लगाइए. उड़ जाएगा एक दिन पंछी रहेगा पिंजरा खाली. स्टार टेनिस क्रिकेट सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब. स्टार टेनिस क्रिकेट सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब. स्टार टेनिस क्रिकेट सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब. Star Tennis Cricket, subscribe us on YouTube. Star Tennis Cricket, subscribe us on YouTube. Star Tennis Cricket. तो अच्छे कर्म किया करो क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद ही आपका नाम इस दुनिया में अदब से लिया जाता है. हाँ डीजे बास्को की साउंड सिस्टम इतनी अच्छी है कि यह कवाली सुनने में और ज्यादा मजा आएगा.
और शुक्रवार की रात बैलगाड़ी रेस के सर्वे सर्वा महाराष्ट्र राज्य बैलगाड़ी एसोसिएशन अध्यक्ष पंढरी शेठ फड़के साहब यहां पर आने वाले और उनका जोरों शोरों से स्वागत किया जाएगा। तानाजी श्रीखंडे और भाई मंगेश पाटिल द्वारा इनके निमंत्रण का सम्मान करते हुए वो यहां पे आ रहे हैं। लेकिन ये गेंद रन आउट का खतरा, बॉलर थ्रो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस ओवर में दो बार रन आउट का मौका था, एक बार गेंद हाथों में नहीं ली, स्टंप छुड़ाया, यहां पे भी गेंद हाथों में नहीं आई गेंदबाज गौरव पाटिल के। देखिए क्रिकेट में हमारी जो राजश्री ताई ने भी अपने भाषण में कहा था कि मौके बार बार नहीं मिलते, और ये क्रिकेट लाइव है, लाइव यहां पे आपको वन टेक में ओके करना है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, क्या छोड़ने की संभावना, कुंडा एक्सप्रेस, ये आपने क्या किया, बॉलर पूछ रहे होंगे इतना सीनियर खिलाड़ी और कभी भी कैचेस उनके द्वारा छूटते नहीं है, और ऐसे खिलाड़ी ने किया गेंदबाज का विश्वासघात। वाई दिस कोलावरी, निश्चित तौर पर सीनियर खिलाड़ी के आधार पे ही ये पूरी टीम निर्भर है। 16 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी जिन्होंने खेली थी सहरोई में। मैन ऑफ द सीरीज का साइकिल और लगातार दूसरा जीवनदान, और एक बार अगर इंसान मौत के मुंह से वापस आए, मौत के मुंह से, तो मौत से दोबारा क्या डरना। और जख्मी शेर, और जो वार करता है ना जख्मी शेर, वो सबसे घातक होता है। शेर को जख्मी किया है राकेश गायकर को। सचिन दाभोलकर इनके समर्थक यहां पे बैठे हुए, लेकिन टीम का टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। जिस तरह अभी पाटिल सर के फैन फॉलोअर्स हैं छत्तीसी विभाग में, अरे भाई सेकंड इनिंग के ये जो कवाली आपको बजानी है वो ज्यादा चले, इसलिए आपको इस इनिंग के खत्म होने के बाद बजानी है। निश्चित तौर पर अभी पाटिल सर के बहुत ढेर सारे फैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी पाटिल सर के फैन फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल हुई है राकेश सर को। सचिन दाभोलकर देखिए अभी पाटिल के फैन थे, लेकिन अब फैन थे राकेश सर के, तो एक जोड़ तोड़ की जो राजनीति होती है ना उसमें माहिर राकेश गायकर सर। क्रिकेट के प्रति प्यार है मंगेश भाई पाटिल का, प्यार मैं देख रहा हूं दूधिया रोशनी इस ग्राउंड में। हमेशा जब भी मैं आता हूं इस ग्राउंड की जो रोशनी होती है वो वाकई काबिले तारीफ रहती है। सचिन दाभोलकर, राकेश गायकर को ऑर्गेनाइजर्स, बंटी पाटिल, अभी पाटिल, पंकज देशमुख, सभी छत्तीसी विभाग को ऑर्गेनाइजर, वरना किसी एक का नाम लेंगे और दूसरा कहेगा भाई मैंने भी मेहनत की थी। और यह बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला बल्लेबाज संदीप ने, और यह नंबर आया अच्छे गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए हैं रूपेश टीजेवास को। इंस्टा में जो रील है, रील पे काफी वीडियोस आए इस गाने के ऊपर। देखिए गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए है ऑलराउंडर रूपेश देवड़े, जिन्हें उनके खिलाड़ी कहते हैं ये खानाओं का शेर है, शेर और शेर की तरह दहाड़ेगा ये, और छत्तीसी विभाग के नंबर वन ऑलराउंडर की तरह इन्हें देखा जाता है। लेकिन खोंडा एक्सप्रेस ने जो कैच छोड़ा वो जरा नाराज किया अपने प्रशंसकों को।
खोंडा एक्सप्रेस जिनके हाथों से कभी कैच छूटती नहीं है। एज नहीं, उम्र महज एक नंबर होता है, ऐसा नहीं है। आज 40 साल के करीब पहुंचे संजय सोलंकी खरापुर की कप्तानी कर रहे हैं। ये भी 35 प्लस होंगे शायद, खोंडा एक्सप्रेस। आशीष मालूसरे ने इनकी तरफ से इस राकेश गायकर को विकेट हैट्रिक के लिए, छक्कों की हैट्रिक के लिए 500 का इनाम और 3 छक्कों के लिए गेम चेंजर का कैप भी है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, जीवन दान जो दिया गया था लगातार 2 बार उसका नुकसान साबित होता हुआ। खान आउट प्लस भोकरवाड़ा के लिए डीजे बास्को। डीजे बास्को, देखिए मच्छिंद्र पाटिल अब विलन नजर आ रहे हैं लोगों की नजर में। पहला कैच उन्होंने ही छोड़ा था और यह लगातार दूसरा स्कोरिंग शॉट। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री और इस गेंद के ऊपर 6 लॉग आउट बाउंड्री के बाहर डीजे। जो बॉलिंग कर रहे हैं खिलाड़ी रुपेश दिवड़े, इनके लिए उनके खिलाड़ी कहते हैं कि शेर है ये हमारे खानाव टीम के। लेकिन हमेशा मैं कहता हूं जंगल में अगर आग लगे ना आग तो शेर भी भागने लगते हैं, उसी तरह ये जो बल्लेबाजी की आग है उस आग से राकेश गायकर के अंगारों से जो तपिश नजर आ रही है उस तपिश को सहन नहीं कर पाया ये खानाव का शेर रुपेश देवड़े। और ये क्या होगा, लगातार बार बार एक और नंबर 6 गेंदबाज बने खलनायक तो राकेश बने नायक। और इस मैच में अगर जो कैच लेना चाहिए तो खोंडा एक्सप्रेस से जो उम्मीद थी उस उम्मीद के ऊपर खरा ना उतरने के कारण जो कैच छोड़ा गया, पहला जीवन दान मिला उस वजह से दूसरी गेंद के ऊपर तुरंत दूसरा जीवन दान विकेट कीपर और स्लिप में जो मिला वहीं से आश्वस्त हुए राकेश कि आज की रात है उनके नाम। टोटल 32। देखिए अब बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई हमें टोटल बताइए, चश्मा पहन के हम यूं ही नहीं आए, रात देर रात हमें जगना है। तो टोटल हो चुका है 32। करीवली के संजय महाड़िक, उनका जरूर मैं स्वागत करना चाहूंगा। और अब किरण देशमुख नारंगी टीम के कोच थोड़े से नाराज हैं नारंगी इस श्रृंखला से बाहर होने की वजह से। गम भुलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो। ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर। खोंडा एक्सप्रेस के राकेश सर का विकेट निकाल पाएंगे। लगातार तीसरा छक्का अगर आता है तो राकेश गायकर को मिलेगा तुषार धुमाल, स्पॉन्सर्ड बाय प्रोप्राइटर श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली, गेम चेंजर का कैप। इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो खोंडा एक्सप्रेस गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए कर्म को सुधारने का मौका है। जो कैच छोड़ा अगर आउट करते हैं यहां पे, अभी खोंडा एक्सप्रेस पटरी पे आनी चाहिए। क्या राकेश का तूफान, ये देखिए अच्छी गेंद की थी खोंडा एक्सप्रेस ने अपने अनुभव के आधार पर। यू ही नहीं कहा जाता, एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर फॉर योर लाइफ, अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। निश्चित तौर पर देखिए हर साल दर साल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज
करने का जो एक्सपीरियंस है मंगेश भाई के पास, उस वजह से हमें ये शानदार क्रिकेट का कारवा नजर आ रहा है। एक रन जरूर पूरा किया गया, दूसरा रन चुराने की कोशिश और यहां पे कुर्बानी दी संदीप डीजे बास्को। तोहफा देने का उनका सपना है, लेकिन जिस अंदाज से जिन्होंने हाल ही में मैन ऑफ द सीरीज हासिल की है राकेश गायकर खेल रहे हैं, ये चल जरा ये तूफान ये सुनामी अगर नहीं थमी तो मार पड़ेगी खोंडा एक्सप्रेस के ऊपर। तो घरेलू टीम और ऑर्गेनाइजर्स मंगेश भाई पाटिल के लिए जैन जी तटकरे इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी हैं। एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ 35 रन कुल टोटल। तो बाहुबली रतीश और स्ट्राइकर एंड पे वेल एक्सपीरियंस बॉलर खोंडा एक्सप्रेस मच्छिंद्र पाटिल, काफी अच्छा ओवर जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं नाना सबसे शाना। राइट आर्म, ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अनुभव के आधार पर खोंडा एक्सप्रेस की तारीफ है काबिल। राकेश गायकर सर होने के बावजूद भी यहां पे आक्रमण नहीं हो रहा है, इतनी अच्छी बॉलिंग। इस ओवर में अब तक रन दिए जा चुके हैं महज 2। देखिए हाल ही में जो सरपंच ट्रॉफी हुई दिनेश गाड़गे के नाम से उस ट्रॉफी को नवाजा गया था सरपंच साहब जांबिवली, उसमें जो कमेंट्री कर रहे थे डेविड भारद्वाज, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। स्नेल का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि टोटल बन चुका है 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 36 एक विकेट के नुकसान पर, आखिरी ओवर अभी भी आना शेष। डीजे बास्को सुनील मंडप डेकोरेटर्स जिन्होंने ये कारवा बेहतरीन बनाने के लिए सुनील डेकोरेटर्स ने हमें मदद की है। मंगेश भाई की जो शान है, जो शानो शौकत है, उसी हिसाब से 15 दिन से मेहनत हो रही है सुनील मंडप डेकोरेटर्स की, शुक्रिया मैं उनका अदा करना चाहूँगा और मंगेश भाई भी उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्वाली गो प्लस गोहे बनाम उजरोली प्लस तोड़ली, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। ओवर नंबर 4 लेकर आए गेंदबाज सूरज और यह बाहुबली ने घुमाया अपना चक्कर चलाया शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के ऊपर, किया पुल शॉर्ट आर्म और नंबर मिले 6। और देखिए अच्छे गेंदों के ऊपर 6 छक्के आते हैं तो 5,000 का इनाम। अंबाजी ढोकले युवा उद्योजक भोकरपाड़ा, प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी 6 छक्के लगाएगा उसके लिए 5,000 का इनाम है अंबाजी ढोकले इनकी तरफ से। लेकिन पहली गेंद के ऊपर बाहुबली रतीश माड़िक, लेकिन ये देखिए अच्छी गेंद थी, रन आउट का खतरा था। यहां पे एक रन
जरूर मिला है एक रन, और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 43-43। आणि नक्कीच जावी वाटील सर, आपण ही जी स्पर्धा पाहतोय उपसरपंच चषक 2022 यामध्ये संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ खानाव इन्वॉल्व आपल्याला दिसतोय, मग ते तरुण पिढी असो, वारकरी संप्रदायातली लोक असो की छकडे शौकीन असो, सगळ्या लोकांनी मंगेश भाईंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहून आणि त्यांच्या प्रेमापोटी खरं तर या स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये हातभार लावलाय, आणि त्याचबरोबर पूर्ण 36 विभाग संकेत सिनकर यांच्याकडून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात। संकेत सिनकर युवा नेते शिवसेना खिरकिंडी, अक्रॉस लाईन खेळण्याच्या नादात फलंदाज चकतोय, चेंडू निर्धाव जाणार का, आणि इथे मात्र फलंदाज होतोय बाद, चेंडू जातोय निर्धाव, डीजे बास्कोला मिळते संधी। जितने भी छक्के आएंगे उसके लिए 200 का इनाम, खरीवली मतलब बल्लेबाजी करने वाली टीम, गोलेवाड़ी गोलेवाड़ी सुजीत जी शिंदे जिन्हें हमें इस मैन ऑफ द सीरीज के लिए इस प्रतियोगिता में बाइक दी है, उनका ये गांव तानाजी श्रीखंडे और सुजीत शिंदे इन्होंने ये मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक हमें दी है। देखिए बैलगाड़ी रेस में इंटरेस्ट रखने वाले तानाजी श्रीखंडे ने मंगेश पाटिल के प्रति प्यार जो है वो दर्शाने के लिए इस प्रतियोगिता में कुछ नया होना चाहिए, इसलिए सुजीत शिंदे के साथ बाइक प्रदान की है मैन ऑफ द सीरीज। और ये नंबर मिलेंगे 4 डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, और इन 4 रनों के साथ टोटल बना 48। तंटा मुक्ति अध्यक्ष खरीवली मिनेश पाटिल इनकी तरफ से खरीवली टीम और मंगेश भाई पाटिल को इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है, लेकिन यहां पे नंबर मिला 2 और इन 2 रनों के साथ टोटल 50 रन पूरे हो चुके हैं, 51 रनों की जरूरत। विश्वास पाटिल इनकी तरफ से हमारे लिए 100 का इनाम आ चुका है करीबली, तो मैं उनको जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, किसी को तो हमारी कॉमेंट्री पसंद आई इतना बड़ा क्राउड होने के बाद, ऐसे हम नहीं बोल सकते भाई। देखिए अभी भी शुक्रवार बाकी है, तीन विकेट निकाल दिए खरीवली प्लस गोलेवाड़ी की गेंदबाजी, कोई भी गेंदबाज तो विश्वास पाटिल इनकी तरफ से धन्यवाद मैं विश्वास पाटिल का देना चाहूंगा, लेकिन फील्डिंग करने वाली टीम जो अब जाएगी दूसरे सत्र में उनके लिए विकेट हैट्रिक के लिए 500 विश्वास पाटिल, और हर विकेट के लिए बघा हे सांगतायत मला की माझ्या गावाचं नाव घ्या विश्वास पाटील। हा गाणं लावा गाणं, मगाशी आपण म्हटलो कव्वाली दी डीजे बास्को।
यहाँ पर बैठे हुए डीजे जरा रुकिए, हमने फरमाइश क्या दी और आप क्या बजा रहे हैं। जहां पर रनो का पहाड़ है, लेकिन क्या खानाव प्लस गोलेवाड़ी, खानाव प्लस भोकरपाड़ा के बल्लेबाज इन रनो के पहाड़ को पार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा स्वाली प्लस गोहे, उजनोली प्लस तोड़ली, दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। मी सन्माननीय आमचे पाहुणे विकीजी गायकवाड यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा, आणि अमित देशमुख यांना विनंती करतो की टॉससाठी जायचं। हेलो हेलो, हमारा सामना स्वाली प्लस गोहे विरुद्ध उजलोली प्लस तोंडली, दोन्ही संघाचे दोन्ही कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी राजू साहेब गायकवाड यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा। कोण मागताय? टेल इज कॉल, इट इज अ कॉल फॉर टेल। निखिल विचारे या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल जिंकताय। निखिल काय असेल निर्णय? पहिला तर आम्ही क्षेत्ररक्षण करू। क्षेत्ररक्षणाचा स्वीकार केलाय, का असा डिसिजन घेतला गेला की म्हणजे काय काहीतरी कारण असेल पहिलं क्षेत्ररक्षण घेण्याचं? बॉलिंग अटॅक चांगली आहे त्याच्यामुळे घेतले निर्णय। निखिलचा असं विचार आहे की गोलंदाजीचा अटॅक चांगला आहे, बॉल चांगला फेस होत आहे, त्याच्यामुळे बॅटिंग करणाऱ्यांना संघाला थोडंसं कम्फर्टेबल होत नाही, जास्त रन होत आहे, त्यामुळे पहिले क्षेत्ररक्षण स्वीकारून डिफेन्स करता येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे। म्हणून निखिलने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आहे। काय असं स्ट्रॅटर्जी साहिल कसरे समोर उभा आहे, साहिल कसरेच्या विरुद्ध स्ट्रॅटर्जी असेल की अन्य खेळाडू विरुद्ध स्ट्रॅटर्जी उभारली आहे? नक्कीच, फक्त आमचं टार्गेट पहिले साहिलच असेल, अनिकेतच्या गोलंदाजीवर आम्ही त्याला पहिले बात करण्याचा प्रयत्न करू। साहिल तुझ्याकडनं काय अपेक्षा आहे फलंदाजाकडून, स्वतः तुझ्याकडनं काय अपेक्षा तू ठेवलीस एक स्ट्रॅटर्जी उभी करून मला उभा करायचा? 50 प्लस टार्गेट, लाइट्स बंद करायचा प्रयत्न करू आम्ही। 50 प्लस टार्गेट साहिलचं आहे की स्वतः तो म्हणतो की मी सलामीला जाऊन 50 जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू। साहिल एक शेवटचा प्रश्न आहे, बऱ्याच आपण बाईट्स घेतो, या बाईट्समध्ये चांगलं आयोजन चांगलं नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतं मंगेशभाई पाटील यांच्या माध्यमातून, नागेश्वर मित्रमंडळ खानाव पुरस्कृत उपसरपंच चषक 2022 तू काय सांगशील? तुलाही हा मैदान नवीन आहे, बरेचसे तू 2020 मॅचेस तू खेळतोयस, बरेचसे टेनिस क्रिकेटचे सामने तू खेळतोस, लेदर बॉलवर पण बराच क्रिकेट खेळलायस, आजचं आयोजन कसं वाटतंय? दरवर्षी हा बाईंचं आयोजन भारीच असतं, पण यावर्षी खूप छान आहे, म्हणजे सगळ्यात भारी या वर्षीचं आयोजन, म्हणजे बाईक पण आहे आणि मेन म्हणजे एंट्री बी भाई कमी घेतात, ते चांगले आहे आपल्यासाठी निश्चितपणे। थँक्यू साहिल कसरे, बेस्ट ऑफ लक पुढच्या सामन्यासाठी। निखिल विचार आहे तुला सुद्धा, बेस्ट ऑफ लक। प्रवीण सर, एक उल्लेखनीय गोष्ट त्यांनी साहिलनी दाखव बोलले की VMPL जो विभाग आहे ते विभागासाठी जी एंट्री फी आहे त्याबाबतीत बऱ्याचशा प्रमाणात सूट दिलेली असते मंगेशभाईने, याचं निश्चितपणे भाईंचं कौतुक करायला पाहिजे की अन्य विभागापेक्षा भाईंनी आपल्या VMPL विभागाला कमी रेटमध्ये कमी एंट्री फी दाखवलेली दिलेली आहे। प्रवीण सर, हॅलो,
हाँ ये मंगेश भाई कर सकते हैं क्योंकि दरिया दिल इंसान है, लेकिन शेर कहा गया था खानाओं का रूपेश दिवड़े को, लेकिन ना इस शेर की दहाड़ सुनाई दी, ना शेर ने किसी का शिकार किया, बल्कि शेर खुद शिकार हो गए। बॉलिंग करते समय दिए रन 23 और बल्लेबाजी करते हुए 0 पे आउट। खोदा पहाड़ निकला चूहा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है छत्तीसी के बाहुबली रतीश महाड़िक द्वारा। दो विकेटों किशोर पाटिल, विश्वास पाटिल खरीद ले इनकी तरफ से 200 रुपए दो विकेटों के लिए, 400 रुपए लगातार। फेमस वड़ा पाव विश्वास पाटिल खरीदी ऐसा वो कहना चाहते थे। और इस गेंद को निकाला, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, हाई टेंशनल ड्रामा रहता है। हाँ देखिए पेंट पूर्व विभाग के एक बेहतरीन कमेंटेटर केतन पाटिल इनकी तरफ से मंगेश भाई को और हमारी राजश्री ताई का जो जन्मदिन मनाया गया उनके लिए, उनके जन्मदिन के अवसर पर भी और इस टूर्नामेंट के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आ चुकी है। शुक्रिया केतन। हर छक्के के लिए कुशल पाटिल इनकी तरफ से 100 का इनाम। एक्स्ट्रा कवर पे गेंद डाली गई और ये मिला 4। विश्वास पाटिल इनकी तरफ से हमें 100 का इनाम आ चुका है। खरीली ये देखिए थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। ये पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाला बल्लेबाज मयूर गोले ने और ये नंबर मिला 4 लगातार दूसरा। मोहब्बत दोस्ती कहते कंटिन्यू करनी है, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे प्रहलाद। टीम का कुल टोटल 51 रनों का पीछा करते हुए 41 रनों की जरूरत है अभी भी 18 गेंदों में। मयूर गोले इनके लिए और छक्के के लिए बड़ा मराठे इनकी तरफ से 500 का इनाम आ चुका है। कुशल पाटिल इनकी तरफ से दोनों खिलाड़ियों को हर छक्के के लिए 200 का इनाम और विश्वास पाटिल इनकी तरफ से हर विकेट के लिए 200 का इनाम। खरीवली देखिए ये गेंद थी डॉट गेंद। हाँ अंपायर तो पाटिल और प्रशांत इन दोनों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। हाल ही में जन्मदिन मनाया गया जो दिनेश जी घाड़गे साहब के नाम से जो सरपंच ट्रॉफी नवाजा गई प्रशांत बांदीवड़ेकर तो है ही स्क्वेयर लेग अंपायर, लेकिन
प्रीतम पाटिल अंपायर जो है हमारे, उनका जन्मदिन मनाया गया, मेरी तरफ से शुभकामनाएं दी गई थी लेकिन उन्हें लगा कि मैंने दी नहीं है, तो चलिए लेट फिर भी ठेट मैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल ये विकेट गिरता हुआ और 200 का इनाम विश्वास पाटिल इनकी तरफ से गेंदबाज। रहेगा पिंजरा खाली, लेकिन जेब से नोट उड़ाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं विश्वास पाटिल, मैन फ्रॉम खरीवली खरीवली खरीवली। लेकिन कल सुबह उन्हें पता चलेगा कि कल रात को मैंने क्या किया। ये ऐसी रातों की रानियों को मैंने बहुत बार देखा है, मेरे जीवन में कई बार आई है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं भाई, और इसीलिए तो मैंने कहा ना आपके लिए खरीवली खरीवली खरीवली। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे सीरियस मोड। प्रहलाद गेंदबाजी की बागडोर, लेकिन स्ट्राइकर इन पे स्वप्निल, बड़ा छोटा पक बड़ा धमाका, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला लेग स्टंप के गेंदों के ऊपर का बादशाह जिन्हें कहा जाता है बाड़ा को। लेकिन मंगेश पाटिल ने छत्तीसी विभाग के क्रिकेट के लिए क्या नहीं किया, परमानेंट फ्लड लाइट्स, ताकि यहाँ के लोग अगर यहाँ के खिलाड़ी अगर दूसरे गांव में क्रिकेट रचने के लिए चले जाए तो उनको खेलने में परेशानी ना हो। आप रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना अच्छा क्रिकेट के प्रति प्यार जताने वाला इंसान मैंने रायगढ़ में नहीं देखा है। पैसा सबके पास होता है लेकिन न उसे खर्च करने की ताकत दरिया दिल इंसानों में होती है, और उनमें से एक मंगेश भाई पाटिल। निश्चित तौर पर एक एक्सीडेंट के बारे में मुझे लोगों ने बताया कि एक एक्सीडेंट इसलिए हुआ खरीवली में कि संरक्षण के लिए जो बांधे जाते हैं जो छोटी छोटी दीवारें जो होती है वो नहीं थी। निश्चित तौर पर दीवार जो थी संरक्षण दीवार वो नहीं थी, लेकिन मंगेश पाटिल ने अपने खर्चे से उसके बाद ये दिया वहां पे बांधते हुए वो नजर आया और लोगों को दिखाया इसकी जरूरत थी। अगर ये पहले किया होता किसी ने तो शायद ये मौत ना हुई होती। इस विभाग के प्रति जो प्यार है मंगेश पाटिल का, और लोगों का भी मंगेश पाटिल के प्रति ढेर सारा प्यार है। टीम का टोटल 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदबाज तैयार, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, शॉर्ट फाइनल के ऊपर बेहतरीन फील्डिंग। टीम का टोटल 14 रन, 41 रनों की जरूरत थी 18 गेंदों में, लेकिन कुल मिलाकर रन बनाने हैं 51, उनमें से 14 आ चुके हैं, 37 रनों की अभी भी जरूरत। स्क्रीन पर आपको नजर आएगा स्टार टेनिस क्रिकेट के स्क्रीन पर 13 गेंदे और 37 रनों की जरूरत। देखिए निखिल बाबर भी एक अच्छे मराठी के कमेंटेटर हैं, बहुत ही बेहतरीन, सूरज हाथमोड़े निखिल बाबर, इनकी जोड़ी काफी फेमस थी। शिवसेनेचे सन्माननीय तालुका प्रमुख संतोषजी विचारे साहेब यांचे इथे आगमन झालंय, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। चला खिलाडू वृत्तीने जो काही निर्णय असेल तो द्या खेळाडूंनी, पण आपली ही स्पर्धा खरं तर मंगेश भाईंची स्पर्धा आहे।
काय त्यांनी बघितलं की त्यांच्या ट्वेल्थ मॅननी बघितलं का काय रे नितीन बघ अंपायर जैसे ही अपने स्थान पे आएंगे डिसीजन बताएंगे। निश्चित तौर पर देखिए अभी अभी नूतनीकरण हुआ है बाबूश बीट ऑफिस का, तो मंगेश भाई के साथ साथ इस विभाग ने भी योगदान दिया है और ऐसे हमारे मंगेश भाई और ये छह रन स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि ये छह ही था। चलिए मैं अंपायर को बोलने ही वाला था लेकिन अंपायर ने जांचा परखा और उसके बाद सही फैसला दिया नंबर छह। सुधीर शेठ प्रवलकर पुलिस पाटिल करीवले इनके सपूत, आयुष प्रवलकर जो बेंगलोर में जा रहे हैं इरफान और यूसुफ पठान की एकेडमी में, उनको ढेर सारी हम शुभकामनाएं देंगे। टीम का कुल टोटल 20, 12 गेंदे और 31 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 31 रनों की जरूरत। गेंदबाज आयुष प्रवल का स्ट्राइकर एंड पे मयूर, मयूर ने इस गेंद को निकाला पॉइंट की तरफ, क्या गेंद होगी बाउंड्री पर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, रन मिलेगा जरूर दूसरा लेकिन अब 29 रनों की जरूरत है बची हुई 11 गेंदों में। तो आयुष को मैं ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा, 36वीं विभाग एक ऐसा विभाग कि वो अकेडमी में अच्छी शिक्षा क्रिकेट की प्राप्त करे और IPL रणजी और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय टीम का सपना देखे मेहनत के साथ। निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व ये जरूर करेंगे छक्कों की, लगातार 3 छक्कों के लिए अक्षय पाटिल दुबई, इनकी तरफ से 1000 का इनाम। ये देखिए ये गेंद थोड़ी देर हवा में थी, एक रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश, 11 गेंदे 29 रनों की जरूरत थी, अब 10 गेंदे 27 रनों की जरूरत। मराठे इनकी तरफ से मयूर घोड़े के लिए छक्के के लिए, देखिए 500 का इनाम है और ये गेंद हवा में थी, एक रन मिलेगा जरूर, 26 की अभी भी जरूरत। तो अक्षय पाटिल दुबई से जो लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 1000 रुपए का इनाम। और यकीनन एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, कई जगहों पर हमें खड़े रह के नाइट मैच देखना पड़ता है लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिकेट रचने में दर्शकों के लिए गैलरीज बनाई जा चुकी है। विश्वास पाटिल देखिए कह रहे कि विकेट के लिए भी हमारा 200 का इनाम है और वो कह रहे कि आपको वो लाइन जरूर कहनी है मेरे गांव के लिए, खरीवली खरीवली खरीवली। टीम का टोटल 25। गेंदबाज तैयार और यह आया लंबा छोटा पैक, बड़ा धमाका, स्वप्निल मैच अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट बरकरार। डीजे बास्को
लगातार तीसरे छक्के के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं स्वप्निल पाटिल, गेम चेंजर का क्या मिल सकता है उन्हें। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे छत्तीसी विभाग क्रिकेट के उपाध्यक्ष निखिल पाटिल काफी क्लोजली मैच देख रहे हैं लेकिन इनाम नहीं लगा रहे हैं अपने खिलाड़ियों के ऊपर। उपाध्यक्ष हैं, क्या इस छत्तीसी विभाग के क्रिकेट को उन्हें बढ़ावा देना है? बढ़ावा कब मिलता है? तब इनामों की राशि हो खिलाड़ियों के ऊपर। एक छक्के के लिए एक विकेट के लिए होना चाहिए। कब आएगी एक छक्कों की हैट्रिक, लगातार तीन छक्के, कब आएगी विकेट हैट्रिक? हम आपको आने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर देख रहे हैं और आप पैसे बचाने के चक्कर में हैं। तो गेंदबाज आयुष और इस गेंद को निकाला, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और इसी के साथ छोटा पैक बड़ा धमाका जो इस मैच को निकाल सकते थे रनआउट के तौर पर वापस पवेलियन। वन शॉट यानी कि एक भी रन नहीं। नए बल्लेबाज राकेश मुंडे हाल ही में शादीशुदा, शादी के बंधन में बन चुके हैं। 25 फरवरी को होने में उनकी, उनके पारिवारिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, और वो हिम्मत रखने वाला ये खिलाड़ी है राकेश, जो इस मैच को निकाल सकता है। जिन्होंने मोटर बाइक प्रदान की है वो सुजीत भाई शिंदे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। और 6 गेंदें और 19 रनों की जरूरत, ये शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन नहीं है कोई। 6 गेंदें 19, मैच बन सकता है। दहशत इतनी ज्यादा पैदा कर कि खुदा भी तुझसे आके पूछे, ए बंदे तेरी रजा क्या है? उसी तरह गेंदबाजों के दिलों में अगर कोई बल्लेबाज दहशत पैदा करे ना, तो ये मैच, ये 19 रन निकल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मारने वाले में दम होना चाहिए। राकेश मुंडे तांबाड़ी के मैदान के ऊपर 7 गेंदों के ऊपर 7 छक्के लगाए जा चुके हैं इनके द्वारा। तो 7 गेंदों के ऊपर 7 छक्के दागे थे इन्होंने। देखिए लड़ना और जीतना क्या, किस तरह से हमें बताया राजा शिवाजी ने, लेकिन धर्म का रक्षण किस तरह से होना चाहिए सिखाया हमें छत्रपति शंभू राजे ने। और ये आया 4 या 6 4 4 आया 4 फाइनल बाउंड्री के बाहर। गोंडा एक्सप्रेस कह रहा है कि भाई ताकत लगाओ, और हमारे राजेश्री ताई ने भी अपने भाषण में कहा था फिटनेस आपके लिए जरूरी है। देखिए गोंडा एक्सप्रेस 35 साल के ऊपर हो चुकी है, लेकिन वही दम, वही रफ्तार और वही जोश। ये किस वजह से हुआ? जो राजश्री ताई ने मंत्र दिया फिटनेस का, उस मंत्र का इस्तेमाल हर रोज करते ही है। डेली 6 किलोमीटर दौड़ने वाला यह इंसान गोंडा एक्सप्रेस मच्छिंद्र पाटिल, 5 गेंदे 15 रन, चा पुराना चावल लेकिन स्वाद वही गोंडा एक्सप्रेस। लेकिन देखिए खाना खाने में ना नए चावल का, अगर हम राइस खाए तो मजा नहीं आता। ये अच्छी गेंद
चार गेंदे अब 15 रनों की जरूरत कंपलसरी चेसिंग, चार गेंदे 15 रन, क्या इस मैच को निकाल पाएंगे बल्लेबाज राकेश, गेंदबाज संजय। यह मैच चल रहा है खानाओ प्लस भोकरवाड़ा, अपोजिट में है आरएससी खरीवली बनाम प्लस गोलेवाड़ी, असील हमारे साथी स्कोरर। और यह निकाला और इसी के साथ इस उम्मीद को खोते हुए नजर आ रही है खानाव, लेकिन मैदान जंग में लड़ाई के लिए सिपाही तैयार है। खोंडा एक्सप्रेस मच्छिंद्र पाटिल डीजे बासो। देखिए ये मैराथन जीत सकते हैं क्योंकि इनके बारे में मुझे पता चला है कई किलोमीटर ये नॉन स्टॉप दौड़ सकते हैं, और इनका ये चैलेंज भी है हर खिलाड़ी को छत्तीसी विभाग के कि मेरे साथ जब तक मैं दौड़ता रहूंगा आपको दौड़ना होगा। मच्छिंद्र पाटिल खोंडा एक्सप्रेस नाना सबसे शाना, चार गेंदे 3 गेंदे बची है 15 रनों की जरूरत, 3 गेंदे 15, इस गेंद के ऊपर 6 या 4 रन जरूरी ताकि मुकाबला आखिरी गेंद तक खींचा जा सके। ढेर सारे दर्शक निश्चित तौर पर 7 नंतर जे किती तरी पाहुणे आपल्याला मिळतात त्यामध्ये एक आपले विश्वास पाटील, आणि आज जबरदस्त फटका, चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय, षटकार कहानी में पुन्हा एकदा ट्विस्ट, 2 चेंडू 500 रुपयाचं पारितोषिक हा षटकार ज्याने मारलाय मयूर गोळेला। बाळा मराठी आक्रमकता तसाच आक्रमक फटका, मयूर गोळ्याच्या बॅट मधून निघालाय, 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज। अब छक्का आता है तो बाळा मराठे इनकी तरफ से 1000 का इनाम, और लेकिन ये क्या होंगे 4 कहानी में ट्विस्ट, 1 गेंद 5 रन की जरूरत कंपलसरी चेसिंग। सचिन दाभोलकर अब टेंशन में, को ऑर्गेनाइजर देखिए अखिल मणियार भी इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे, तहदिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे मंगेश दादा पाटिल के इस प्रतियोगिता में। उप सरपंच ट्रॉफी नागेश्वर मित्र मंडल पुरस्कृत उप सरपंच ट्रॉफी 2022 खानाव, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ यह मैदान, 1 गेंद 5 कंपलसरी चेसिंग। जरा जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए जिन्होंने इस कहानी में ट्विस्ट लेकर आए हैं, क्या मैच बनाया इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के कारण। मयूर गोळे फ्रॉम भोकरपाड़ा, देखिए खानाओं के बंदों ने कुछ नहीं किया लेकिन खानाओं प्लस भोकरपाड़ा का यह बंदा कर रहा है, और यह क्लीन बोल्ड और आखिरी गेंद के ऊपर बोलर ने इस मैच को जीता, खरीवली प्लस गोळेवाड़ी ने इस मैच को जीता। लेकिन अगले मैच के लिए माइक्रोफोन पर आएंगे अमित और अभि पाटिल सर, और ये 500 का इनाम भी है मयूर गोळे के लिए बाळा मराठे द्वारा। हाँ मैं उनको बुलाना चाहूंगा 500 का इनाम लेने के लिए। मैन ऑफ द मैच की उद्घोषणा करेंगे अमित देशमुख। हेलो अतिल,